बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है जिन्नात से हिफाजत सूरह इराफ से। आज तक आपने जिन्नात के शर से अल्लाह की पनाह हासिल करने के लिए बहुत से रूहानी अमल किए होंगे। अगर आप अभी तक जिन्नात की पकड़ में हैं तो इस सारी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह फैज़ फौरी और यकीनी होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हम्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हम्स से चला और रात को ज़मीन के एक ख़ास टुकड़े में पहुंचा, तो उस इलाके के जिन्नात मेरे पास आ गए। मैंने जिन्नात के शर से बचने के लिए सूरह इराफ़ की मखसूस आयात की तलावत शुरू कर दी। उस पर जिन्नात खौफजदा हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब तो सुबह तक इसकी हिफाजत करो। जिन्नात ने सारी रात मेरा पहरा दिया और सुबह हुई तो मैं सवारी पर सवार होकर वहाँ से चल दिया। बेशक अल्लाह के पाक कलाम से ही शरीर चीज़ों पर काबू पाया जाता है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिन्नात से फौरी हिफाजत के लिए सूरह इराफ़ की तलावत ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि जिन्नात चाह कर भी उस इंसान का नुकसान नहीं कर पाते। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हम्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख़ुद भी सूरह इराफ़ के फ़ज़ाइल का मुशाहिदा किया। हमारे बुज़ुर्गों ने सूरह इराफ़ का फैज़ जारी करने के लिए एक मखसूस वक्त तक गोशा नशीनी इख्तियार की। उस मराकबे के दौरान उन्होंने सूरह इराफ़ की तलावत की इतनी कसरत कर दी कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कायनात की हर चीज़ सूरह इराफ़ की तलावत में मशगूल हो गई। अल्लाह की रहमत से जिन्नात से हिफाजत के लिए सूरह इराफ़ का अजीम तरीन मराकबा कामयाब हुआ और ऐसी रहमतों का नज़ूल हुआ जिन्हें रूहानियत की ज़ुबान में फैज़ जारी होने का नाम दिया जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस सूरह के फैज़ का मुशाहिदा करने के लिए सूरह इराफ़ की मखसूस आयात को नक्श की सूरत में तहरीर किया, जिसे उन्होंने नक्शे इराफ़ का नाम दिया, जो जिन्नात से हिफाजत के लिए बहुत ही मौसर साबित हुआ। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि नक्शे इराफ़ रूहानियत की दुनिया का ऐसा ज़बरदस्त रूहानी अमल है जिसकी अजीम तरीन रूहानियत से हज़ारों जिन्नात को काबू में कर लिया गया। नाज़रीन, अगर आप या आपका कोई अजीज़ जिन्नात की पकड़ में है या आपके घर में जिन्नात का बसेरा है तो नक्शे इराफ़ को एक बार ज़रूर आजमाएं। इस नक्श को अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करने के लिए मर्द हज़रात हसनैन साहब से 03065111214 और ख़वातीन सैयदा बहन से 03217970893 पर राबता कायम करें। हमारे रूहानी सिलसिले के तमाम बुज़ुर्ग कुल इंसानियत के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले ही वसल्लम के नालैने पाक के सदक़े में आप और आपके घर वालों को हर किस्म के शरीर जिन्नात के शर से हमेशा महफूज फरमाएं और आपकी तमाम जायज़ दुआओं को भी कबूल व मंजूर फरमाएं। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और विज़िट करें www.pray.net.pk। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।